अगर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप 3 एंटी ले रहे हो तो फर्स्ट यूनिट पहले निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद सेकंड यूनिट पे आप जंप करिएगा। रीजन इसका भी है क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो भी ऑलराइट सो गाइस सनस्किल वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो फॉर क्रैशर अबाउट 2023 केटीएम ड्यूक 390 में क्या क्या कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, क्या क्या डायमेंशन चेंज किए गए, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई, ऑलमोस्ट पूरी ड्यूक ही चेंज कर दी गई है। प्रीवियस टू न्यू जो ड्यूक आ रही है काफी ज्यादा अमेजिंग आ रही है, काफी ज्यादा एग्रेसिव आ रही है और काफ़ी ज़्यादा लुक में अच्छी आ रही है। तो अभी तो मेरे सामने यहाँ पे 2023 की ड्यूक 390 खड़ी है जिसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपको शोरूम पे देखने को भी मिल जाएगी। तो क्या क्या चेंजेस हुए फटाफट हम लोग बता देते हैं। तो पूरा ओवरऑल जो लुक है वो पूरा ही का पूरा चेंज कर दिया गया, जो श्राउड है वो काफ़ी एजी कर दिए गए, काफ़ी लॉन्ग कर दिए गए। यहाँ पे हम लोग की जो फ्रंट लाइट है वो आपको फुली LED देखने को मिलती है, इसी के साथ वो बूमरैंग लाइट आपको देखने को मिलती है, ह्यूज है और थोड़ी सी बूमरैंग टाइप में बनाई गई है, राइट। और यहाँ पे जो TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और ये वाला बिल्कुल नहीं है, एक नया TFT आपको उसमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, म्यूजिक एंड कॉल उसमें आप अटेंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ जितना हम लोग के बेसिक स्पीडोमीटर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको 3 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, स्ट्रीट, रेन एंड रोड। तो 3 राइडिंग मोड के साथ साथ आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, लॉन्च कंट्रोल विथ TCS। तो लॉन्च कंट्रोल 400cc की बाइक में अभी तक मेरे हिसाब से यही एक मोटरसाइकिल है जिसमें आपको लॉन्च कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। अब और भी आने लगी हैं, एक इंडिया की सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव 400cc ZX4R जो कि कावासाकी ने लॉन्च कर दी है, अभी उसको आने में भी टाइम है। तब तक लिए अगर हम लोग बात करें तो अंडर 4 लाख में यही एक मोटरसाइकिल है जिसमें आपको इतने सारी चेंजेस, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप अपना इंस्ट्रूमेंटल कंसोल कंट्रोल कर सकते हो, और काफी ज्यादा आपको चेंजेस इस मीटर में देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप पूरे बाइक्स के पैरामीटर आप इस सिंगल डिस्प्ले से चेंज कर सकते हो बटनों से। और बाकी आपको एडजस्टेबल क्लच और लीवर देखने को मिलता है, लिक्विड कूलिंग आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ और हम लोग बात करें तो डिस्क भी चेंज कर दिया गया है, डिस्क हम लोगों का इस वाली जैसे इस RC में आपको देखने को मिलता है वैसे ही आपको नई वाली 390 में भी देखने को मिलता है। ये वाला डिस्क अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी इधर गैपिंग करी गई है जिससे कि ब्रेकिंग और इनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 320mm की डिस्क फ्रंट में देखने को उसमें मिल जाएगी और 240mm की डिस्क आपको रियर में देखने को मिल जाएगी, वो भी नई वाली RC के जैसी ही है। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एजी कर दी गई है, पीछे की जो लाइट है वो थोड़ी सी लॉन्ग और शॉर्ट कर दी गई है। और हम लोग बात करें तो 2 कलर में आपको देखने को मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और एक अटलांटिक ब्लू कलर। मुझे अटलांटिक ब्लू कलर काफ़ी अमेजिंग लगा अगर मैं देखूँ तो। बाकी इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो क्या क्या चेंजेस किए गए, ये 373cc की आती थी अब वो 398cc की आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको 45hp इसमें देखने को मिलेगी, इसमें अभी आपको 43 देखने को मिलता था, नई वाली 390 में 45 देखने को मिलती है। नई वाली 390 में 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, प्रीवियस 390 में आपको 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। तो इंजन भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगा, नॉर्मल जो 390 है जो प्रीवियस 390 उससे ज़्यादा ही इनहेंस आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये 822mm की सीट हाइट के साथ आती है, वो वाली 800mm की सीट हाइट के साथ आएगी। और यहीं पे हम लोग बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो यहाँ पे आपको 151mm का देखने को मिलता है, उसका आपको 171mm समथिंग का देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी ह्यूज ग्राउंड क्लीयरेंस है, काफ़ी ग्राउंड क्लीयरेंस को उठाया गया है, काफ़ी ऊपर किया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम लोग यहाँ पे वेट के ऊपर बात करें तो इस मोटरसाइकिल का, इस वाली ड्यूक का 171 kg वेट है, और जो नई वाली 390 आएगी उसका आपको 168 kg का वेट देखने को मिलेगा। तो इसमें भी चेंजेस किए गए, बाइक को ओवरऑल लाइट भी किया गया, ग्राउंड क्लीयरेंस इनहेंस किया गया, सीट हाइट को भी कम किया गया, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं। ट्रेलिस फ्रेम आपको अभी भी देखने को मिलेगा जो हमेशा से आपको देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन के ऊपर बात करें तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, प्रीलोड कंप्रेशन के साथ 5 क्लिक्स होंगे उसमें। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन में भी आपको 5 क्लिक कंप्रेशन और रिबाउंड के देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप अपने राइडिंग स्टाइल के साथ, राइडिंग पोस्चर के साथ उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको राइडिंग स्टाइल चाहिए। तो ये हम लोग का कुछ सस्पेंशन के ऊपर बातचीत थी। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको अब जो एग्जॉस्ट है वो अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, आपको यहीं तक का एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, आपको लॉन्ग एग्जॉस्ट नहीं देखने को मिलेगा, अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा जो कि हम लोग की स्टार्टिंग 390 में आपको देखने को मिलता था। तो अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, बट वो BS6 फेज 2 में आएगी तो साउंड में डिफरेंस तो होगा ही। तो ओवरऑल अगर हम लोग आगे बात करें तो इसी के साथ साथ जो एलॉय है वो भी आपको चेंजेस
में देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोग की आरसीज में आते हैं वैसा अलॉय आपको इस 390 में देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज है अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 390 की ब्रांडिंग आपको ऐसे में देखने को मिल रही है इसमें, उसमें भी अलग एकदम आपको 390 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो काफी एजी, काफी एग्रेसिव और काफ़ी इन्हेंस कर दी गई है, काफ़ी वर्सेटाइल कर दी गई है मोटरसाइकिल अगर हम लोग देखें तो। नई वाली 390 जैसे ही यहाँ पे आएगी तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से एक सेपरेट रिव्यू करूँगा। और अगर हम लोग बात करें और आगे तो यहाँ पे आपको जो टायर देखने को मिलते हैं वो मेटजेलर के आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, बट अब आपको टायर मिशलिन के इसमें देखने को मिलेंगे जो कि 110 सेक्शन फ्रंट में और 150 सेक्शन आपको रियर में देखने को मिलेगा। तो ये भी अलग चेंजेस हैं। तो इतना ज्यादा चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इतना ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि नई वाली 390 के लिए आप वेट ही नहीं कर सकते हो। तो बहुत जल्द आने वाली है वो भी, जैसे ही डीलरशिप पे आएगी तो उसके ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट रिव्यू करेंगे कि क्या क्या आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है उसमें। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग बाइक देखें तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव है, बट उसको और एग्रेसिव बनाया गया है और इन्हेंस कर दिया गया है, इंजन काफ़ी इन्हेंस किया गया, इंजन और रिफाइन कर दिया गया है। बाकी आपको BS6 फेस 2 में ही वो मोटरसाइकिल देखने को मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल हम बात करें तो अभी भी इसका फैन बेस कम नहीं है, इस वाले लुक का फैन बेस अभी भी कम नहीं है, बट जैसे जैसे वो आ जाएगी, धीमे धीमे स्टार्टअप हो जाएगी तो उसमें भी लोग धीमे धीमे अपने आप को ढाल लेंगे। बाकी अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल मोटरसाइकिल काफ़ी यूनिक बनाई गई है 390, और मैंने ये वाली 390 इसलिए उठाई क्योंकि मेरे को बताना था कि क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही यूनिक निकालने वाला है KTM, जो कि ऑलरेडी निकाल चुका है। तो इतना ही कुछ पूरा मेरा रिव्यू था। और ओवरऑल अगर हम लोग प्राइस के ऊपर बात करें तो आपको कितना प्राइस देखने को मिलेगा, तो 370,000 कुछ आपको ऑन रोड उसका देखने को मिल जाएगा, तो ओवरऑल काफ़ी ह्यूज है। और 400,000 कुछ में आपको 390 एडवेंचर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो एडवेंचर के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट एडवेंचर कैटेगरी एडवेंचर के ही यूज़ होती है। बट अगर हम लोग देखें तो जो 390 है और जो एडवेंचर 390 है, दोनों में से आप सबका आपका कौन सा पिक रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर मैं होता तो मैं 390 एडवेंचर ही लेता, लॉन्ग टूरिंग के लिए भी और रफ एंड टफ एडवेंचर्स के लिए भी। बट अगर आप टूरिंग के सेगमेंट से ही बाइक ले रहे हो तो आप कौन सी लोगे, 390 ड्यूक या 390 एडवेंचर, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इतना ही कुछ मेरा रिव्यू था इसके बारे में, इतना ही सब कुछ आपको उस पूरी मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है। और कॉम्पिटिशन किससे, RTR 310 जो कि अभी रिसेंटली वो भी लॉन्च हो गई है, तो उसके ऊपर भी जल्दी रिव्यू करेंगे जैसे ही डीलरशिप में आएगी। और अगर हम लोग देखें तो BMW G310 से भी उसका कॉम्पिटिशन है। बट अगर हम लोग 390 देखें तो 390 का एक अलग स्टाइल है, एक अलग स्वैग है जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक अलग फैन बेस है 390 का। तो देखते हैं कितना 390 आगे निकलेगी। और ओवरऑल जितना मेरे को लग रहा है तो 390 के सेल्स कभी भी डाउन नहीं हुए हैं, 390 की सेल अभी भी उतने ही रहेंगे जितने प्रीवियस 390s के आप लोग देखते आ रहे हो। बाकी अगर मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप 390 ले रहे हो तो फर्स्ट यूनिट पहले निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद सेकंड यूनिट पे आप जंप करिएगा। रीज़न इसका भी है क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो भी डिफॉल्ट्स होते हैं या कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वो उसको आगे वाले यूनिट्स में चेंज कर दिया जाता है। तो पहले फर्स्ट यूनिट को निकल जाने देन सेकेंड यूनिट पे आप जाएं, ये काफ़ी सही चीज़ रहेगी। तो आपको सारा ओवरऑल ज़्यादा दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो सारी दिक्कतें आपको सेकेंड यूनिट में सारी क्लियर कट टू कट मिलेंगी। तो और अगर आपको जल्दी है फर्स्ट इन स्टेट या फर्स्ट इन सिटी लेनी है तो आप ले सकते हो। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आप क्या सोचते हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बाकी ओवरऑल हम लोग रिव्यू यहाँ से एंड करते हैं, तो यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। और अगर आपको 390 देखनी है और बुकिंग अपनी लगानी है तो आप KTM कानपुर में आके बुकिंग दे सकते हो। सारी शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट आउट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।